नमस्कार, आज डायलॉग विद जेसी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गुजरात और हिमाचल में चुनाव बेहद करीब हैं, उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में बीजेपी की क्या है रणनीति, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों से कितनी है चुनौतियां, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज डायलॉग विद जेसी में जी हिंदुस्तान और जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र के साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। आज से 20-25 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में पिताजी के साथ चाय की दुकान चलाते थे तो क्या सोचा था कि एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था। उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा इसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन पिताजी के साथ जब चाय की दुकान में काम करता था, खेत में काम करता था, परिवार के हर छोटे बड़े कार्यों का हिस्सा होता था, तब से मैं संघ का स्वयंसेवक इस नाते शाखा में जाया करता था। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत जरूर बाल काल से ही हो गया था, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कभी मुझे इस रूप में सेवा देने का अवसर मिलेगा मैंने नहीं सोचा था। तो शुरुआती दौर में किसने आगे बढ़ाया, कोई गॉडफादर या कैसे? देखिए, अगर बाल्यकाल से देखा जाए तो वहाँ पे संघ के जो प्रचारक होते हैं जिनके माध्यम से हम लोगों का संपर्क आता है, एक श्री राम नरेश जी थे और उनके बाद एक शिवमूर्ति जी थे। तो यह दो ऐसे प्रचारक थे जिनके साथ मेरी बहुत निकटता थी। तो संघ के साथ काम करने का जो अवसर मिला ये इन दोनों जिला प्रचारकों के कार्यकाल में मुझे मिला था। लेकिन फिर राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर बद्री विशाल त्रिपाठी जी थे, वो बड़े भाई की तरह भी थे, मित्र की भी तरह थे और गुरु की तरह भी थे। तो आगे फिर जैसे सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बढ़ती गई तो पूज्य अशोक सिंघल जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में मुझे विश्व हिंदू परिषद के काम को, विशेष तौर से प्रयाग में लगने वाले माघ मेले, कुंभ मेले के कारण से बहुत बड़ा अवसर संगठन के माध्यम से मिला था और संगठन का भी एक स्वरूप देश के अंदर मॉडल के तौर पर प्रयाग में मैंने खड़ा किया था। तो नरेंद्र भाई की निगाह कब पड़ी यहाँ पे, कहाँ मिलना हुआ पहली बार? तो देखिए, वो मैं यह मानता हूँ कि मैं 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था इलाहाबाद की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से। तो उस समय वह मेरे चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन मुझे उस समय भी उनके स्वागत में कुछ भाषण करने का मौका मिला था। तो मेरा पहला एक तरह से सीधा संवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विधानसभा के चुनाव में था, 2007 के विधानसभा चुनाव में था। लेकिन उसके बाद फिर कई ऐसे अवसर आते रहे जहाँ पर कभी निकट से मिलना या कभी कोई साइड से फ़ोटो खिंचवा लेना और उसका आनंद लेना। और जब 2012 में मैं विधानसभा का सदस्य बना तो स्वाभाविक तौर से सत्ता पक्ष, सपा के लोग थे सत्ता पक्ष में, हम लोग 47 विधायक थे भाजपा के। तो अचानक एक दिन ऐसा आया कि एक स्वाभाविक जैसे अंदर सब रोम रोम में भरा हो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो किसी विषय पे विवाद हुआ तो उसमें मैं खड़ा होकर के अपना पक्ष रखते हुए मैंने कहा समाजवादी पार्टी की नैया डूब जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। उस समय पार्टी ने कोई तय नहीं किया था, पार्टी चर्चा तो देश भर में बहुत पहले से थी लेकिन उस समय तय नहीं किया था। तो और हम सारी सीटें जीतेंगे तो प्रतिकार में तमाम विपक्ष की, अभी आप पार्टी ने तय नहीं किया, आपने तो ये अनुशासन, मैंने कहा वो आप छोड़िए, जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। वैसे भी कहते हैं कि उनमें और आप में कुछ विशेषताएं हैं, वो भी चाय बेचते थे, आप भी चाय बेचते थे, वो भी ओबीसी हैं, आप भी ओबीसी हैं, वो भी प्रचारक थे, आप भी प्रचारक थे, कैसा लगता है जब ये सब बात होती? ये तो देखिए हमारे लिए वो आदर्श हैं। मैं तो एक बहुत आज की तिथि में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं भी चाय बेचता था, मैं अखबार भी बेचता था और यह भी सच है कि मैं भी 14 वर्षों तक पूरा समय दे करके संगठन के काम में घर परिवार से अलग रह करके काम किया और उसके बाद संगठन का निर्णय हुआ कि नहीं आपको इस क्षेत्र में काम करना है, जैसे आदरणीय मोदी जी के लिए कहा गया था उस समय कि आपको जा करके गुजरात का काम संभालना है, अन्यथा वो तो प्रचारक और संगठन मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। तो मेरे लिए गौरव की बात है, कुछ चीज़ें जब जोड़ी जाती हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदर्श हैं। तो इन 3.5 साल में आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री रूप में उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश के प्रति क्या है? देखिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे जो प्रथम निर्णय था, लोगों को लगता था कि गरीब आदमी उसकी कोई चिंता करना भी चाहे, गरीबी के खिलाफ लड़ना भी चाहे तो कैसे लड़ सकता है। तो सबसे पहला एक बड़ा फैसला उन्होंने किया था
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते को खोलने का, 30 करोड़ गरीबों के खाते खोले। दूसरा बहुत मुझे व्यक्तिगत तौर से भी प्रेरित करने वाला रहा है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन गरीब माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने का विषय रहा है। तीसरा मैं उनका स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के साथ साथ शौचालय निर्माण की दृष्टि से विशेष तौर से जब बच्चियों के लिए स्कूलों के अंदर मेक इन इंडिया की जब उन्होंने बात कही, स्किल इंडिया की सब जब बात कही, और किसी भी सारी बातों के साथ में निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने जब ये कहा कि हमारे लिए देश और दल में से अगर कोई बड़ा कोई एक चुनना होगा तो हमारे लिए देश बड़ा है, दल हमारे लिए बाद में है, यह सारी चीज़ें उनकी मुझे बहुत प्रेरित करने वाली रही हैं। वो 4 करोड़ परिवारों में बिजली मुफ्त कनेक्शन देने की बात भी चल रही है? हाँ, वो चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने 22 लाख घरों तक निःशुल्क पावर फॉर आल योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचा देने का काम किया है। हमारे यहाँ जिन ग्राम सभाओं तक बिजली नहीं पहुंची थी वहाँ विद्युतीकरण का काम हो गया है। अभी बहुत सारे गांव छोटे मजरे ऐसे बचे हुए हैं जहाँ हम तेज़ी से काम करेंगे। पिछली सरकार के समय में जैसे कोई भी बड़ा काम करना होता है विकास का तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मैं पिछली सरकार पर यद्यपि अब आरोप नहीं लगाता क्योंकि जनता ने उनको विदा कर दिया है, हमने यह माना है कि हमको जनता ने जिम्मेदारी दी है और हमें हर घर तक बिजली पहुंचाना है, हर घर तक पीने का अच्छा पानी पहुंचाना है, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार करना है, गांव तक अच्छी सड़कें बना करके देना है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करना है, और रोजगार के अवसर हमें चाहे वो कुटीर उद्योग के माध्यम से हो चाहे निवेश के माध्यम से हो उसके माध्यम से पैदा करना। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों के करीब माने जाते हैं, हाउ यू फील अमित शाह इज डिफरेंट देन द प्रीवियस पार्टी प्रेसिडेंट, क्या खास बात है उनकी वर्किंग में? देखिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, एक तो परिश्रम की पराकाष्ठा करना, परिश्रम की पराकाष्ठा। हमारे मैं सभी अपने पूर्व अध्यक्षों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष हमारे, मैं दावे के साथ खुले रूप से कहता हूं कि सारी पार्टियों का जो नेतृत्व है वो एक तरफ बैठ जाए और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी एक तरफ बैठ जाए तो मेरे अध्यक्ष जी वो चाणक्य के रूप में ऐसे सफल अध्यक्ष हैं कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, देश का विकास कैसे होना चाहिए, देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सत्ता के माध्यम से सुख प्राप्त करना नहीं है, सत्ता के माध्यम से हमें इस देश की जनता की सेवा करना हमारा संकल्प है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने बहुत सीखा है। अध्यक्ष के रूप में मुझे बहुत ये जो समय मिला चुनाव के समय में, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक एक विधानसभा का बैठ करके वो जैसे क्षेत्र के अनुसार बैठे कि अब ये जिस जिस चरण का चुनाव होता तो उस चरण के चुनाव की दृष्टि से सबके साथ बैठते थे। एक एक सीट पर जरूरत पड़ती थी तो रात में दो दो तीन तीन चार चार बजे तक बैठते थे और जो निष्कर्ष निकल करके आता था उसके आधार पर फिर आगे की तैयारी होती थी और परिणाम आपके सामने। तो मॉनिटरिंग उनकी इतनी ज़बरदस्त कैसे करते हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे? मैं तो समझता हूँ कि उनको भगवान की कुछ कृपा है जो इतनी क्षमता मतलब परिश्रम करने की भी है और जो भी योजना बनाते हैं, कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की कल्पना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी। जब हम क्षेत्र के अनुसार बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए तो उस समय ऐसा हम लोगों के साथ बातचीत हुई कि ये करना है, हम लोगों ने 6 क्षेत्र हैं सबके कार्यक्रम तय कर दिए, लेकिन जब बूथ अध्यक्ष अपने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने का मौका पाया तो एक उबाल आ गया कार्यकर्ताओं के अंदर, उत्साह आ गया। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ तक सभी पार्टियों को मिलाकर के जितनी ताकत नहीं है उससे अधिक ताकत भाजपा की अपने संगठन के दम पर अकेले ताकत है। अब आपके अध्यक्ष जी केरल में भगवा फहराने की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है सक्सेस मिलेगी? मुझे पूरा विश्वास है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जहाँ संगठन की ताकत हमारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सेवा हो रही है, जो देश के लिए ईमानदारी से काम हो रहा है, तो ये दोनों ये ऐसा रथ है, रथ के ये ऐसे दो मतलब पहिए हैं कि इस रथ को कोई भी रोक नहीं सकता। 18 राज्य से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत मतलब जो लोगों को कल्पना नहीं उससे भी बड़ा रिजल्ट देने का काम करेगा। अमित शाह के बेटे के व्यापार को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, क्या लगता है कॉन्स्पिरेसी है कुछ? देखिए मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से
सारे विरोधी घबरा गए, मानी अमित शाह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को विश्वास है। और यह जो आरोप है ये पूरी तरह से जैसे एवार्ड वापसी गैंग जिसका शब्द प्रयोग कर दिया गया था, जब कुछ ऐसा होना होता है, अब गुजरात के चुनाव हैं तो उस समय ऐसी चीजें ला कर के खड़ा करना जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। और उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का दावा किया है और आकर के सामना करें, निश्चित तौर से यह केवल राजनीतिक साजिश। एक बात बताइए, आप सीएम बनने वाले थे, फिर डिप्टी सीएम कैसे बन गया अचानक? अमित शाह ने आपको संकेत दिया था? ये पार्टी का निर्णय होता है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मैं स्वयंसेवक हूँ आपको बता चुका हूँ, जो दायित्व मुझे जब भी दिया जाएगा उसको मैं पूरा करने का काम करता हूँ। आज मुझे उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा का दायित्व सौंपा गया और हमारे जिम्मे जो भी काम आया है उसको हम ईमानदारी के साथ और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम करेंगे। पर क्या कुछ ऐसा संकेत था? नहीं, कभी मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि मुझे अभी अध्यक्ष का कार्यकाल है, अभी सरकार में कोई और आएगा, मुझे तो अध्यक्ष के नाते ही संगठन का काम करना है। लेकिन पार्टी का निर्देश आ गया कि नहीं, आपको डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेनी है। अब शपथ लेनी है आदेश, तो पार्टी के कार्यकर्ता इस नाते उसका पालन। योगी जी को मालूम नहीं था, उन्हें भी अचानक पता लगा, बुलाया गया प्लेन से और फिर शपथ भी उनकी विधायक दल की बैठक में आए। तो आपको कुछ ऐसा एहसास था, आपसे राय हुई थी उनको बनाते समय? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है। मेरी चर्चा निश्चित तौर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शपथ ग्रहण से दो दिन पहले हुई थी कि केशव जी ऐसा सोचा गया है। मैंने कहा मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूँ और पार्टी के निर्णय को सफल बनाना ये हम सब का दायित्व है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनकी अगुवाई में हम उत्तर प्रदेश की जनता की जितना भी अधिक से अधिक परिश्रम करके, प्रयास करके और जितनी नई से नई तकनीकी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सेवा कर सकते हैं करेंगे। योगी जी से आपके रिश्ते कैसे हैं? मेरे रिश्ते अच्छे हैं। मेरा रिश्ता कोई योगी जी से राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाते नहीं। मैं लोकसभा में भी, वह भी लोकसभा में थे, मैं भी लोकसभा में था। वह गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा था। तो हम लोग लगभग साथ साथ काम करते हुए आगे बढ़े और आज योगी जी की अगुवाई में जिस दृढ़ता और जिस विश्वास के साथ सरकार को काम करना चाहिए, छः महीने में बहुत बड़े परिणाम देने का काम। तो योगी जी आपको कंटेंडर महसूस नहीं करते कभी? ऐसा नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं करते होंगे। मैं क्योंकि मैं ऐसा अपने कंटेंडर मानता भी नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको पूरा करना संपूर्ण पार्टी के नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का मिलकर के उत्तरदायित्व होता है कि उसे हम सफल बनाएं। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें योगी जी की तरफ से पूरा फ्री हैंड है काम करने का? हाँ हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई हस्तक्षेप इस प्रकार का कोई भी नहीं रहता है। और दूसरा, किसी अन्य भी विभाग के लिए अगर हम लोगों के सामने कोई विषय आता है तो जो भी होता है, जो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पास ही कोई विभाग है तो उनको भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग कहना पड़ता है, जो हम कहते हैं उसको गंभीरता सुनना और उसका समाधान करना। तो वो क्या किस्सा था, पंचमतल पे आप चले गए फिर चेंज हुआ कमरा, मैंने अखबारों में पढ़ा था? नहीं, वो तो देखिए एक ऐसा विषय, उसको फिर मैंने बताया कि जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं इतनी करारी पराजय हुई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई चीज़ मुद्दा ही नहीं मिल रहा था। तो शुरू में चूँकि मुख्यमंत्री के नाते कार्यालय ये लोक भवन हो गया था, तो लोक भवन हो जाने के कारण वो खाली था, तो मुझे उस समय संज्ञान में नहीं था कि वहाँ रहने थे। बाद में ये विषय ध्यान में आया तो ये हुआ कि उप मुख्यमंत्री के नाते हम और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यह विधानसभा का जो मुख्य भवन है यहाँ पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री के नाते लोक भवन और जो एनएक्सी है वहाँ पर योगी जी बैठेंगे, ये फाइनल हुआ था। एक गड्ढे भरने की बात सुनी थी कि सीएम ने कहा कि 15 जून तक भर दो सब गड्ढे, लेकिन 60% ही काम हो पाया तो थोड़ा वो अफ नहीं। पहले तो आपको जानकारी, 121,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विभागों की मिलाकर के सड़कें गड्ढा युक्त मिली थी और उसमें से हमने 83,500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया था। और वह उस समय किया था जब सर्वोच्च न्यायालय और NGT आदि के फैसले के कारण जो खनन सड़क बनाने की सामग्री है उसका अभाव था। और यह एक देश के इतिहास में किसी राज्य के द्वारा इतनी सड़कें 100 दिन के अंदर बनाई नहीं जा सकी थी। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना तेज गति से काम प्रारंभ हुआ है, आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप जिस जिले में जाएंगे, जिस तहसील में जाएंगे, जिस ब्लॉक में जाएंगे या कह लीजिए जिस गांव की तरफ जाएंगे, आपको लोक निर्माण विभाग
आपका स्वागत करता हुआ और अच्छी सड़कें बना करके देने के लिए तैयार करता हुआ दिखाई दे। पीडब्ल्यूडी में कुछ ट्रांसफर्स को लेकर कोई बात हुई थी ऐसी, कुछ कोई कंट्रोवर्सी? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी कुछ कहा हुआ? नहीं नहीं, एक भी ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ जो आप कह रहे हैं ना मीडिया में जैसे कोई चीज निकाल देना, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही सही ढंग से, मैं समझता हूँ कि लोक निर्माण विभाग बहुत दिनों के बाद, आप जनता से पूछेंगे तो, कॉन्ट्रेक्टर से पूछेंगे तो, अधिकारियों से पूछेंगे तो, उनको ये पता हो गया है कि युग बदल गया है, सरकार बदल गई है। अब सपा बसपा नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए अब कागज़ पर काम नहीं होगा, जमीन पर काम होगा। अब चहेते को ठेका नहीं दिया जाएगा, अब ई टेंडरिंग के माध्यम से जो लोएस्ट अपना टेंडर डालने का काम करेगा उसको टेंडर मिलेगा। करप्शन का कुछ रोकने का कुछ उपाय? हाँ, कड़ा उपाय किए हैं, कई कॉन्ट्रेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया है, कई अधिकारियों को निलंबित भी किया है, और पूरी सरकार के अंदर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तीव्र अभियान चल रहा है। ये टोल प्लाजा में वीआईपी लेन की कोई कंट्रोवर्सी थी, वो क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। टोल प्लाजा में ऑलरेडी एक ऐसा रहता है सिस्टम, एक साइड होती है जिससे होकर के निकल करके जाने का पहले से भी बना हुआ है, वैसे भी कोई भी जाता है तो उसके लिए रहता है, लेकिन यह सारी जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त किया। ये ताजमहल में सरकार ने फिर यू टर्न लिया, कंट्रोवर्सी भी? नहीं, ना यू टर्न लिया है ना ऐसी कोई बात है। सच बात यह है कि आगरा में जो हमारा ताजमहल है उसके माध्यम से बड़ी संख्या में दुनिया भर के पर्यटक वहां पर आते हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक रोजगार बढ़े, इसके लिए हम वहाँ 350 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और वहाँ उसको कंट्रोवर्सी का कोई विषय नहीं है। ठीक है, बहुत ये जो विषय निकलते रहते हैं या पहले भी बयान आते रहे, आज भी बयान आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट है कि ताजमहल हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, और चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे श्रावस्ती हो, जो भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए विस्तार किया जा सकता है, वो सुविधाएं और वह विस्तार देने का काम हम लोग करें। आपको ऐसा लगता नहीं कि पार्टी और सरकार की क्रेडिबिलिटी को धक्का लगा इस ताजमहल की कंट्रोवर्सी से? नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की बातें मतलब कोई महत्व तो नहीं रखती हैं, कि अगर कोई एक बयान कोई आया तो इसका मतलब नहीं कि उससे कोई धक्का लगा है। पार्टी स्पष्ट सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है। अयोध्या में क्या करने का इरादा है? देखिए, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि का स्थान है। जो विवादित परिसर है वो 80x80 का एक एरिया है, लेकिन उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ कि जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है वो 80x80 का है, लेकिन दुनिया भर की नज़रों में अयोध्या सदा बनी रहती है, और अयोध्या का अगर हम विकास नहीं करेंगे तो दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या नहीं आएंगे, और इसलिए अयोध्या के विकास का मामला किसी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन नहीं। इसलिए हमारा ये मानना है कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, और विकास का काम शुरू हो चुका है। सरयू मैया की आरती, सरयू मैया का एक बहुत बड़ा महात्मा है, तो अयोध्या के अंदर रामायण मेला हो, चाहे रामलीला हो, चाहे श्री राम जी का संग्रहालय हो, चाहे श्री राम सर्किट हो, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पर जाकर के वनवास यात्रा में कहाँ कहाँ वो रुके, और उनके जीवन की पूरी लीला क्या है, यह सबको जानने के बाद बहुत आदर्श परिवार, आदर्श पति पत्नी, आदर्श भाई, ये तमाम प्रकार की शिक्षा, आदर्श मित्र, संतों की सेवा, अपराध के विरुद्ध जंग, ये कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। इसलिए वह तो लाखों लोग वहाँ उस दिन आए तो कहते हैं करोड़ों रुपये खर्च हुआ, तो खर्चा किसने उठाया है? सरकार के द्वारा ऐसा कोई खर्चा नहीं किया गया है जिस पर कोई उंगली उठावे, और जो उंगली उठाने का काम कर रहे हैं मैं तो समझता हूँ कि उनको तो कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। जो सैफई महोत्सव के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा करते थे, वो अयोध्या के विकास के लिए हम अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर उंगली उठा रहे हैं, दीपोत्सव हम मना रहे हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं, वहाँ रामायण हो रही है, रामलीला हो रही है, दुनिया के दर्जनों देशों के मतलब जो रामलीला के पात्र है वो आकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उनको एलर्जी हो रही है। ये कारण एकमात्र है कि एक उनको ये डर लग रहा है कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो हम सर्वोच्च न्यायालय का ने भी कहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि आपस की बातचीत में से रास्ता निकल आवे तो बहुत अच्छा होता है।
तो जिन लोगों को लगता है कि अगर आपस में बातचीत करके भी अगर कोई रास्ता निकल आया तो उनको राजनीतिक दृष्टि से कुछ नुकसान हो सकता है और उनको जो लोगों की आंख में धूल झोंक करके भाजपा खा जाएगी ऐसा डरा करके, जो विशेष तौर से तुष्टिकरण की राजनीति करके मुसलमानों को वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको इसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार का आरोप। अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है फैजाबाद, अब कहते हैं नाम बदल के अयोध्या धाम करने की सरकार सोच रही है। देखिए अयोध्या धाम, अभी हमने फैजाबाद और अयोध्या दो नगर पालिकाएं थी, दोनों को मिलाकर के अभी अयोध्या नगर निगम बनाया है। अयोध्या धाम की बात भी आ रही है, वहाँ के कुछ संतों का मत है कि उसका साकेत भी नाम रखा जाए, तो इसमें कोई बहुत देश के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जानते हैं। अब पहले बम्बई हुआ करता था, आज मुंबई है, पहले मद्रास हुआ करता था, आज चेन्नई है। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं कि अगर नाम कहीं बदलने की आवश्यकता है, अगर वो नाम बदला जाता है और हम सरकार में आए हैं और अगर राम भक्त और संत अगर इस प्रकार की मांग करते तो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ तो लोगों ने कहा कि योगी के राज में लैंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लैंड ऑर्डर ठीक नहीं है वो लोग कहते हैं जिनके संरक्षण में पलने वाले अधिकारी आज जेल के अंदर भी ठूंसे जा रहे हैं, या जो अपराधी मतलब जिनका मनोबल इतना बढ़ा है कि पिछली सरकारों के समय में वो एसएसपी और थानेदार और डीएम को सबको निर्देश देने का काम करते थे, आज उनको पुलिस पकड़ने के लिए जाती है, गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो वो पुलिस पर हमला बोलने की भी कोशिश करते हैं। कई जगह मुठभेड़ भी हुई, हमारे कई पुलिस के जवान घायल भी हुए और कई हमारे मतलब बलिदान भी हुए, लेकिन इधर से भी जब गोली अगर अपराधी चलाएगा तो इधर से भी गोली चलती है, तो कुछ हम लोग भी सुधार गए। तो आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, विपक्ष उससे घबराया हुआ है, उसको लग रहा है कि ये बड़े बड़े अपराधी अगर जेल चले गए या दुनिया से चले गए तो उनको आने वाले समय में राजनीतिक सहायता कौन करेगा, इसलिए इस प्रकार का विरोध करते हैं। आपके और सीएम के इस्तीफा देने से लोकसभा से दो वैकेंसीज जो हैं उपचुनाव की, फूलपुर और गोरखपुर, किसे लड़ा रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि ये तो अगर आप समाजवादी पार्टी से पूछें तो वहाँ बता देंगे कि हम किसे लड़ा रहे हैं, बसपा से पूछें वो भी बता देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे यहाँ सिस्टम है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक पैनल भेजती है जो आवेदन करने वाले लोग होते हैं, पहले उनमें से निष्कर्ष निकालती है, उस पैनल पर निर्णय भाजपा का संसदीय बोर्ड करता है। फूलपुर से आपके लड़के भी चुनाव लड़ने की चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, ये एकदम कोरी बकवास है और ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लड़का कोई किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू चुनाव लड़ने का कहना तो अलग बात होती है, टिकट मांगना एक अलग बात होती है, लेकिन किसे लड़ाना इसका निर्णय मैंने कहा पार्टी करती है, पार्टी का संसदीय वोट करता है। स्थानीय निकाय में क्या चांसेस हैं चुनाव? बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ऐतिहासिक सफलता। स्थानीय निकाय के चुनाव में तो जब विरोधियों की सरकार थी तब भी हमारी विजय होती रही है, और आज तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की जिस प्रकार से सेवा की है और 6 महीने के छोटे कार्यकाल में हमने प्रदेश में जिस प्रकार से विकास का काम किया, जिस प्रकार से गुंडागर्दी का अंत किया, जिस प्रकार से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिस प्रकार से किसानों की कर्ज माफी की, जिस प्रकार से निवेश का एक वातावरण बना है, जिस प्रकार से भर्तियों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इंटरव्यू समाप्त करने की बात हुई है, ये सारे ऐसे कारण उभर करके सामने आए हैं। और व्यापारियों को भी किसी जीएसटी के नाम पे कुछ बहकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्यापारी इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ गया है कि हमारा हित सही तरीके से अगर कोई कर सकता है, ईमानदारी से कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर लगता सकती है। कि नोटबंदी जीएसटी को लेकर लोगों का मूड बदल रहा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ये जो मूड बदल रहा है वो कांग्रेस का मूड बदल रहा है और सपा बसपा वालों का मूड बदल रहा है, उनको लग रहा है कि फिर शायद वह दिन वापस आ जाए, फिर हम इस प्रकार से पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि जिन लोगों ने देश की जनता के अधिकारों को लूट करके अपनी तिजोरियां भरी थी, नोटबंदी के बाद उनकी तिजोरी में रखा हुआ जो नोट था वो कागज का टुकड़ा बन गया, अब उनको बेचैनी होना स्वाभाविक है। तो गुजरात में क्या लगता है, सरकार बना रहे हैं? मुझे तो पूरा विश्वास है, मुझे लग रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है, सरकार इस बार भी बनेगी, लेकिन इस बार की जो सरकार बनेगी सबसे अधिक विधायकों के साथ बनेगी जैसे यूपी में बनी। 2019 में क्या लगता है, फिर से नरेंद्र मोदी यही सरकार? 2019 में मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं तो यही कह सकता हूं कि 100 में 60 हमारा है,
बाकी में बंटवारा है, मतलब 100 में से 60 वोट हमारे खाते में आएगा, 73 की जगह 80 की 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का और भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार बैठी। आप लोग दावा कर रहे हैं कि अमेठी में भी राहुल गांधी को हराएंगे, ये कैसे? वो तो देखिए पिछली बार ही हार जाते, सपा से उन्होंने गठबंधन किया था, सपा ने उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था, और अगर सपा ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया होता तो उनकी जमानत भी नहीं बचती। और आप जानते हैं मैं तो राहुल जी के बारे में बस इतना ही कहता हूँ कि राहुल जी जहाँ जहाँ चलते रहेंगे वहाँ वहाँ कमल खिलता रहेगा, वो जितना दौरा करेंगे हम लोगों के लिए फायदेमंद रहते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। पिछली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, क्या लगता है इस बार भी वही उम्मीदवार होंगी वहाँ से? देखिए ये तय करना तो मैंने कहा पार्टी नेतृत्व का काम है, लेकिन जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, स्मृति जी लगातार अमेठी का दौरा भी करती हैं, हाँ, तो मेरा अपना मानना है बहुत थोड़े अंतर से उस चुनाव में मतलब पराजय हुई थी, लेकिन इस बार चुनाव में मैं मानता हूँ कि पार्टी स्मृति जी को अगर प्रत्याशी बना करके भेजेगी तो बहुत बड़े अंतर से अमेठी लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा। और महेंद्रनाथ पांडे नए चीफ आपके बीजेपी? महेंद्रनाथ पांडे जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, नया उन्होंने जिस दिन से दायित्व संभाला है, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी कार्यकर्ता हैं, नीचे से काम करते करते ऊपर आए, विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, सांसद के रूप में केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ है उसका एक अच्छा संदेश है कार्यकर्ताओं में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़े कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफल। एक आखिरी सवाल ये कि अब आप कंटेंडर पॉलिटिकली यहाँ किसको मानते हैं, अखिलेश यादव को या मायावती को? देखिए अब मैं क्या, थोड़ी बहुत जो लड़ाई हल्की फुल्की रहेगी मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत जो रहेगी सपा से रहेगी, बसपा तो समाप्त हो चुकी है। आदरणीय जगदीश जी ध्यान में रखिएगा, मैं पूरे भरोसे और विश्वास से और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा वार्ता फीडबैक और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सेवा हो रही है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सेवा हो रही है, इसके आधार पर और संगठन का जो मजबूत हमारा तंत्र नीचे तक है उसके बल पर मैं कह सकता हूँ कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 60% यूपी के अंदर वोट प्राप्त करेंगे। एक बिसात जो आपने बिछाई है, ठाकुर मुख्यमंत्री, ओबीसी उप मुख्यमंत्री, विनय शर्मा उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या लगता है बहुत ज़बरदस्त है? देखिए इसको मतलब जो आप देख सकते हैं इस चश्मे से मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर देखें तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, केशव प्रसाद भी पार्टी का कार्यकर्ता है, डॉक्टर महेंद्रनाथ जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे 4 बार से भाजपा के सांसद हैं, तो पूरा मंत्री परिषद आप देखें तो उसके अंदर भी जो दूसरे दलों से आए हैं और जो हमारी पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, सबको अवसर मिला है, सबको सम्मान मिला है और सारे लोग मिलकर के प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो यू आर कॉन्फिडेंट इन कमांड? जी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो केशव प्रसाद मौर्य का साफ मानना है कि 100 में से 60 सीटें उनकी आने वाली हैं। हालांकि नतीजा क्या होगा ये आगे ही मालूम चलेगा। डायलॉग विद जेसी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।